ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू हार्ट बीट फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आप सभी को बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में जो हमारा कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वो वाला पार्ट जो है बिल्कुल मिस मत करना। एंड गाइस बैकग्राउंड पेजेस आपको कैसे यूज करने का वो वाला पार्ट भी बिल्कुल मिस मत करना। एंड बाकी जब तक आप इस वीडियो को गाइस कंप्लीट नहीं देख लोगे जब तक आप एडिटिंग करने मत जाना, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधी अधूरी छोड़ के चले जाओगे तो गाइस आपकी जो एडिटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी एंड जो है मतलब खराब से एडिटिंग हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को जो है अपने आपको जो आपकी फोटो है पहले उसको ओपन करना पिक्सआर्ट ऐप में, देन आप सभी को करना आप जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को जो है ये वाला पीएनजी, ठीक है। तो इसमें पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ पहले। तो आपको ये वाला पीएनजी जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। एंड इसके बाद आपको पिक्सआर्ट में ओपन करना है, इसके बाद आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है, देन आपको रोटेट करना है। एंड इसको आपको जो अपने बैक साइड में कुछ इस तरीके से ले जाना है, ठीक है, जिस तरीके से। एंड इसके बाद आपको ये करना है आपके ऊपर जो भी एरिया जो मतलब आपके फेस के ऊपर आ रहा होगा उसको आपको सिंपली इरेजर टूल में जाना है, एंड वहाँ से आपको इरेज कर लेना है। एंड फेस के ऊपर एंड जो बॉडी के ऊपर है उसको भी इरेज करना है, ठीक है, क्योंकि जो बैक साइड में आपको बचाना है, तो उसके लिए आपको पहले इरेज कर लेना कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसको इरेज करने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब आपसे कुछ गाइस इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो यहीं से हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं क्योंकि हमें नीचे की साइड में भी चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, हम इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, देन इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको उसको रोटेट करके आपको नीचे की साइड में ले आना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है, ठीक है। तो इसको आपको जो मतलब कि मतलब जोड़ देना, दोनों को मर्ज कर देना, जो आपने पहले पीएनजी लगाई थी उसको एंड इसको। फिर इसके बाद आपको इसको करना क्या गाइस, आपको यहाँ पे इसको पहले जाना है इरेजर टूल में, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर डन नहीं करना है, इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद जो आपको यहाँ पे इरेजर लेना है, यहाँ से जो ये वाला एरिया आपको इरेज करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमें हर्ट लगाना है। एंड जो ब्रश लेना है फिर आपको यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर देना है, तो मैं यहाँ पे साइज फुल कर लेता हूँ थोड़ा, एंड इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो गाइस इसकी थोड़ी थोड़ी ओपेसिटी कम भी कर लेना, क्योंकि ये ना थोड़ा ज़्यादा असर लग रहा है मेरे को, तो अभी क्या हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, एंड इसकी ओपेसिटी हम हल्की सी कम करते हैं, अराउंड कुछ रखते हैं 64 तक, एंड इसको भी हम कम कर लेते हैं, इसके रखते हम 64 के आसपास ही रख लेना इसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आप इसको डन कर देना है। फिर गाइस जितना हो जाने के बाद है जो आप सभी को करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में यहाँ से। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक हर्ट का पीएनजी मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है, एंड इसको ऐड करने के बाद जो है आपको उसको पहले तो यहाँ से लेके जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो ये अभी रेड है तो इसको ब्लैक करना है ना, मैं तो इसके लिए हमें ले जाना पड़ेगा इफेक्ट में। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा कलर्स वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर ले जाना है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक फिल्टर जो है कि ब्लैक एंड व्हाइट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड इसको टाइप करना है, एंड इसके बाद जो अमाउंट इसका जीरो करना है, एंड इसके बाद कर देना आपको डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जो आपको इसको ले जाना है यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट के पास, जो मतलब कि जहाँ पे हमारा हर्ट है वहाँ पे आपको ले जाना है इसको, ठीक है। एंड इसको ले जाने के बाद आपको उसको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसको कम कर लेना है। एंड गाइस अगर आप चाहो तो इसको ब्लर वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है वहाँ पे इफेक्ट में जाकर आपको इजीली कर सकते हो ब्लर व्लर छिड़ के, तो बट मैं आपको अभी यहाँ पे मैं बेसिकली समझा देता हूँ जिस तरीके से, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से रखना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। अब इतना हो जाने के बाद जो आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी एक लाइट का पीएनजी, जो कि मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आपको करना है आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको कर देना स्क्रीन, एंड इसको रख देना आपको अपने जो मतलब हर्ट लगाया अपना उसको पास। एंड उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है, अब आपको गाइस देखिए इसका जो है मतलब कि जो इसकी ओपेसिटी जो अभी इसमें कम लग रही होगी आपको, बट आपको अगर ये कम लगे तो गाइस आपको जो इसका डुप्लीकेट कर लेना। तो पहले मैं इसको एक छोटा कर लूँगा, फिर इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, एंड जो दूसरा जो डुप्लीकेट होगा उसको इसका जो साइज़ आपको उसको रखना है बड़ा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है, आपको जब इतना कर लोगे तब इतना जाने के बाद दो इसके मतलब हल्की सी साइज़ और इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो फेस तक पहुंच जाए इसका मतलब इफेक्ट। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक विग्नेट का पीएनजी, ठीक है। तो ये वाला जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, तो आपको ये करना है आपको फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड इसको कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि विनर रिटच का फोटो बिल्कुल अधूरी है हमारी। तो फिर आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो गाइस हाईलाइट है आपको इसको यहाँ पे हल्का सा माइनस करना है, ठीक है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको कम कर देना है, एंड जो व्हाइट है व्हाइट को जो यहाँ पे इंक्रीज करना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है, एंड जो शेडो है ना इसको आप इंक्रीज कर लेना, क्योंकि जो शेडो से ना फोटो ज़्यादा ही डार्क हो रही है, तो शेडो को इंक्रीज कर लेना है। फिर देना आपको कलर्स में आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, फोटो में जो टेम्परेचर उसको कम करना है, ताकि फोटो में जो हल्की सी ब्लू टोन आ जाए। देन आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन को आपको हल्का सा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको आपको यहाँ पे प्लस कर देना है।
फिर इतना हो जाने के बाद आपको रेड कलर लेना है, आपको यहाँ पे जो इसका ह्यू है जो माइनस करना है, जो सैचुरेशन इसको प्लस कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको इसका हल्का सा सैचुरेशन माइनस करना है एंड जो ह्यू है आपको इसको हल्का सा प्लस कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद जो है आपको इसमें ल्यूमिनस भी थोड़ा बढ़ा देना है, कर देना है डन। फिर इतना हो जाने के बाद जो है गाइस आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे जो फोटो की क्लियरिटी है गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो फोटो में विगनेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे यहाँ पे मिल गया ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड देन आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाने के बाद जो आपको हमें फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड गुड बाय।